सफारी का पूरा इंटीरियर तो आपको कम्प्लीटली चेंज मिलेगा, सोते हुए जा सकते हैं यार। XUV700 और स्कॉर्पियो एन दोनों में ही ये चीज आपको नहीं मिलती। XUV700 और स्कॉर्पियो एन दोनों ही गाड़ियों में नहीं आता, टाटा में एकदम मर्सिडीज वाला फील। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हमारे साथ में है ब्रांड न्यू एंड अपडेटेड टाटा सफारी। इसमें ना बहुत सारे फीचर्स एड कर दिए गए हैं, मतलब एक्सटीरियर से इंटीरियर से दोनों में ही काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। इंटीरियर में तो बहुत ही कुछ ऐड किया गया है, और ये वाला जो आप वेरिएंट देख रहे हो ना, ये टाटा सफारी का टॉप एंड वेरिएंट है जो फुल्ली लोडेड है फीचर्स से। अब ये जो गाड़ी है ना, ये XUV700 और स्कॉर्पियन से कम्पीट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो इसमें आपको क्या क्या फीचर्स ऑफर किए गए हैं, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चेंजेस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलो फिर बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ये सफारी का एडवेंचर वेरियंट है, रेगुलर सफारी से काफी ज्यादा डिफरेंट है। इसमें आपको कहीं भी क्रोम देखने को नहीं मिलेगा, और इसके इंटीरियर का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी काफी डिफरेंट है। स्टार्ट करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले यहाँ पे आपको ड्यूल फंक्शन DRL मिलते हैं, जो DRL और इंडिकेटर दोनों का ही वर्क परफॉर्म करते हैं। अगर आप इसका हेडलैम्प सेटअप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर और एक हेलोजन बल्ब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। बेसिकली एक व्हाइट लाइट है और दूसरी यहाँ पे येलो लाइट के लिए हेलोजन बल्ब दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप अटेंशन टू डिटेल देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको लायन एंग्रेव्ड मिलता है जो बहुत सुंदर लग रहा है। नीचे यहाँ पे आपको जो फॉग लैंप दिए गए हैं उसमें अभी भी आपको हेलोजन बल्ब ही ऑफर किया गया है, इसको चेंज नहीं किया गया। देन यहाँ पे आपको ब्लैक में सफारी एंग्रेव्ड मिलेगा, और इसकी ग्रिल देखोगे तो आपको ब्लैक कलर में ग्रिल देखने को मिलती है, जिसके ऊपर ट्रायरो पैटर्न मिलता है जो कि आपको पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। सेंटर में आपको यहाँ टाटा का लोगो मिल जाता है। और अब फ्रंट में चेंजेस क्या है वो आपको बताती हूँ। तीन बड़े बड़े चेंजेस है। सबसे पहले तो इसमें 360 डिग्री कैमरा एड ऑन कर दिया गया है। दूसरी चीज कि इस गाड़ी में अब आपको एडास मिलने लग गया है, जिसका रडार आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्लेस्ड है और कैमरा वहाँ पे प्लेस्ड है। अब इसकी फ्रंट लुक्स के बारे में बात करें तो लुक्स तो इसकी हमेशा ही बहुत खूबसूरत थी, बट यहाँ पे ना आपको चेंजेस डेफिनेटली नजर आएंगे। पहले अगर आप सफारी देखते थे ना, तो इसमें काफी सारा क्रोम आपको नजर आता होगा, लेकिन अब क्रोम हटा दिया गया है, बिल्कुल डीक्रोम कर दिया गया है। क्योंकि देखा जाए तो आजकल ट्रेंड सा हो गया है, पहले लोगों को क्रोम बहुत पसंद होता था, ऐसा होता था कि जितना क्रोम लग जाए उतना बढ़िया। लेकिन आजकल ना लोग गाड़ी खरीद के फिर गाड़ी को डीक्रोम कराते हैं, तो कंपनी ने ये बात समझ ली और पहले ही इसको ब्लैक्ड आउट कर दिया, जो काफी ज्यादा सुंदर भी लग रहा है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ब्रिजस्टोन के टायर ऑफर किए गए हैं। 18 इंच के अलॉय व्हील्स यहाँ पे मिलते हैं। अलॉयज का डिजाइन देख सकते हो, काफी सुंदर है, और ग्रे कलर में अलॉयज यहाँ पे मिलते हैं, जिसके सेंटर में यहाँ टाटा का लोगो मिल जाता है। टायर सेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 235/60 R18 का टायर सेक्शन देखने को मिलता है। अब अगर आप इसका ORVM देखोगे तो कंप्लीट पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ORVM ऑफर किया गया है, जिसके ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल है और एडजस्ट भी इलेक्ट्रॉनिकली होता है। अब साइड प्रोफाइल में भी ना काफी सारे चेंजेस मिलते हैं, क्योंकि इसमें 360 डिग्री कैमरा एड ऑन हो गया है, तो साइड वाली यूनिट आपको यहाँ पे मिलेगी। और इसी के साथ साथ साइड से अगर आप दूर से देखोगे ना, तो क्रोम यहाँ से कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। डोर हैंडल्स देखो, यहाँ से क्रोम हटा दिया गया है, यहाँ से भी क्रोम हटाया गया है। इसके साथ साथ ये वाला पैनल भी आपको क्रोम में मिलता था, इसको भी कंप्लीटली पियानो ब्लैक में कर दिया गया है, ताकि आपको यहाँ पे ना बोर्ड ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है, और डिस्क ब्रेक्स वो तो आपको चारों टायर्स मिलती है। अब इसकी रियर प्रोफाइल की बारे में बात करें तो टॉप पे आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, वाइपर वॉशर डिफॉगर तीनों ही चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है। सेंटर में ग्रिल देखोगे तो पूरी पियानो ब्लैक फिनिश में मिलती है, जिसके सेंटर में यहाँ टाटा का लोगो मिल जाता है। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे प्लेस्ड है, और यहाँ पे ना आपको स्प्लिट डिजाइन में LED टेल लैंप्स मिलते हैं, लाइट होने के बाद बहुत प्यारे लगते हैं। रियर इंडिकेटर की यूनिट आपको यहाँ पे प्लेस मिलती है, एंड रिफ्लेक्टर्स यहाँ पे मिलते हैं। और ये जो सफारी के इनिशियल्स है ना, इसको भी अब ब्लैक कर दिया गया है। नीचे रियर बम्पर देखोगे तो ये भी आपको रफ ब्लैक में मिलता है, और स्किट प्लेट भी आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिलती है। बट एक चीज मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जिस बजट की ये गाड़ी है उसमें आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर ही दिए गए हैं, एटलीस्ट 4 तो बिना सोचे समझे दे देने चाहिए थे। और टाटा की हर गाड़ी की तरह अटेंशन टू डिटेल देखो, यहाँ पे लायन फैमिली एंग्रेव्ड है। बूट को ओपन करने के लिए यहाँ पे ना आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, देख सकते हो कुछ यहाँ पे प्लेस्ड है। और हर 7 सीटर की तरह इसमें भी यही कहानी है कि यहाँ पे आपको बूट स्पेस बहुत कम मिलता है। बट एक चीज है, अगर आप कम लोग ट्रैवल कर रहे हो ना, तो कुछ इस तरह से आप इसको बहुत ही इजीली फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारा लगेज यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं, और ये टूल्स वगैरह देख सकते हो यहाँ पे प्लेस्ड है। यहाँ पे आपको एक लगेज लैंप भी मिल जाता है। अब इसके ड्राइवर साइड डोर के बारे में बात करें तो यहाँ पे ब्लैक और लाइट खाकी कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। इसके बारे में अंदर जाके बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, जिसमें से सारी की सारी ऑटो ऑफ है। और ये देखो यहाँ पे जो डोर हैंडल दिया गया है, इस पे क्रोम मिलता है, वो भी डार्क क्रोम दिया गया है। ग्रैब हैंडल देख सकते हो, ये वाला पूरा पोर्शन पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है, और यहाँ पे आपको सेम खाकी कलर ही मिलता है, फैब्रिक मिलता है। ये वाला जितना भी एरिया आप देख रहे हो ये लेदर में है, इसके ऊपर आपको ट्रायरो पैटर्न मिल जाता है, सारा सॉफ्ट टच है। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक बॉटल होल्डर मिल जाता है, थोड़ा बहुत और सामान यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे आपको स्पीकर यूनिट मिलेगी, और ORVM के कंट्रोल आपको यहाँ पे माउंटेड मिलते हैं। सफारी का पूरा इंटीरियर तो आपको कम्प्लीटली चेंज मिलेगा, इसमें बहुत सारी चीजें एड ऑन की गई है। तो अब मैं इसके इंटीरियर में आके बैठ गई हूँ। आप इसका स्टेयरिंग व्हील देख सकते हो, ऑल ब्लैक में आपको स्टेयरिंग व्हील ऑफर किया गया है। नीचे यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है। लेफ्ट साइड में ना आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल मिल जाएंगे, कॉल रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, और राइट साइड में आपको क्रूज कंट्रोल दिए गए और MID के कंट्रोल्स दिए गए हैं। यहाँ
यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाते हैं, दूसरी साइड आपको हेडलैम्प के कंट्रोल मिल जाते हैं, और ये जो स्टेयरिंग व्हील है ना ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट के साथ में आता है। और जहां तक मुझे ध्यान है ना ये चीज स्कॉर्पियन में नहीं आती है, स्कॉर्पियन में आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। अब इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना उसको पूरा चेंज कर दिया गया है, आरपीएम मीटर देख सकते हो, और यहाँ पे ना आपको इंजन टेम्परेचर और गाड़ी में कितना फ्यूल है ये आपको दोनों साइड्स पे नजर आ रहा है। सेंटर में आपको डिस्प्ले दी गई है जिसमें आपको सारी ड्राइवर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। टॉप पे आपको टाइम दिख रहा होगा, ऑटोमेटिक वाला वेरियंट है, गियर यहाँ पे दिख रहा होगा, टेम्परेचर क्या है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी के साथ साथ नीचे कोने में आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी नजर आ रहा होगा, ऑडोमीटर यहाँ पे देख सकते हैं। सेंटर में आपको मल्टीपल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिसको आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हो। टॉप पे देखोगे तो आपको डिजिटल स्पीड मिलेगी, बाकी ना क्योंकि इसमें एडास आता है तो आपको एडास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। नीचे यहाँ पे अगर आप व्हीकल इन्फॉर्म में जाके देखोगे तो आपको डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड यानी कि डीएफ लेवल दिख जाएगा, टीपीएमएस दिख जाता है, पावर टॉक के रेशियोज दिख जाते हैं, जी फोर्स मीटर मिल जाएगा, और इसी के साथ डेट एंड टाइम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लेआउट में जाके देखोगे ना तो डायल व्यू, डिजिटल व्यू और मिनिमल व्यू, तीन टाइप के लेआउट यहाँ पे आपको मिलते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे मिनिमल व्यू चूज कर लिया है तो सेंटर में आपको बड़ी सारी डिजिटल स्पीड नजर आ रही होगी और लेआउट काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सफारी ना आप देखने में काफी प्रीमियम लगने लगी है। अगर आप इसका आर्मरेस्ट देखोगे ना तो यहाँ पे आपको लेदर में आर्मरेस्ट दिया गया है जिसके ऊपर आपको ब्लैक कलर की स्टिचिंग मिल जाती है, और ना भाई ये ओपनेबल है, इसके अंदर आपको इतना कुछ मिलता है ना देख के आप फैन हो जाओगे। ये देखो सबसे पहले ना ये कूल्ड है, उसके ऊपर से इसमें आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। यार XUV 700 और स्कॉर्पियो N दोनों में ही ये चीज आपको नहीं मिलती है, दोनों में जो दिया गया है वो थर्ड रो में दिया गया है, फ्रंट में कहीं भी आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट नहीं दिया गया। मेरे हिसाब से ये मिस है यार, क्योंकि अगर आपको वैक्यूम क्लीनर वगैरह कुछ भी चीज यहाँ पे फिट करनी है ना तो फ्रंट में तो 12 वोल्ट का पावर आउटलेट होना ही चाहिए। देन यहाँ पे आपको यूएसबी और टाइप सी की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, इतना कुछ आपको एक आर्मरेस्ट में मिल रहा है और आपको क्या ही चाहिए। यहाँ पे अगर आप इसकी सीट्स देखेंगे तो इस पे आपको परफोरेटेड डिजाइन मिलता है। सेंटर में यहाँ पे ना आपको टायर और पैटर्न दिया गया, और ये जो सीट्स है ये भी वेंटिलेटेड है। इसके जो कंट्रोल्स है आपको वहां साइड में मिलते हैं, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स भी दिए गए हैं सीट को एडजस्ट करने के लिए, वो कंट्रोल्स भी आपको वहां साइड में मिलते हैं। और इतना ही नहीं, टाटा ने इस सफारी के साथ ना एक बोस मोड इंट्रोड्यूस किया था, एक लिवर सा यहाँ पे दिया गया था जिससे पीछे बैठा बैठा बंदा ना इस सीट को एडजस्ट कर सकता था, इसे ड्रैग कर करके। बट अब ये देखो भाई, बटन से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, पहले बटन नहीं दिया जाता था। आ रहा है ना अपनी टाटा में एकदम मर्सिडीज वाला फील, और क्या ही चाहिए। देन यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किया गया, और इसकी जो सीट्स है ना काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। अब इसके ग्लव बॉक्स के बारे में बात करें तो सफारी में जो आपको ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है वो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में आता है, इल्यूमिनेटेड है, लाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर आपको यहाँ पे टैबलेट होल्डर मिल जाता है, नीचे आप स्पेस देख सकते हैं, अच्छी खासी स्पेस आपको मिल जाती है, और इसी के साथ यहाँ पे आपको एक पेन होल्डर भी मिल जाता है। एक चीज मैं डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी टाटा को, अगर कोई ग्लव बॉक्स बनाना सीखना चाहता है ना तो डेफिनेटली टाटा से सीखे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, बाकी यहाँ पे ना आपको डार्क वुडन पैटर्न मिलता है, काफी प्रीमियम लग रहा है। और ये देखो एसी वेंट के सराउंड में यहाँ पे या फिर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सराउंड में आपको डार्क क्रोम ऑफर किया गया है। अब यहाँ डैशबोर्ड देखोगे तो ये पूरा का पूरा आपको सॉफ्ट टच फिनिश में मिलता है, प्लास्टिक आपको यहाँ इतना सा मिलता है सिर्फ एंड में, ये भी काफी प्रीमियम लग रहा है। इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो अब सफारी में आपको नया इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है 10.25 इंच का। इसका टच रिस्पांस देख सकते हो यार, पहले से काफी बेटर हो गया है, काफी फ्लुएंट लग रहा है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे दोनों ही सपोर्ट करता है, और इसके अंदर आप AQI भी देख सकते हो। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको वीडियो डेमो का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे ना पंच का डेमो दे रखा है तो मैं पंच का डेमो चला देती हूँ, क्वालिटी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे फुल स्क्रीन में चलता हुआ कितना सही लग रहा है। और यहाँ पे ना मैं इसकी 360 डिग्री कैमरा का व्यू आपको चेक करा देती हूँ, ये देखो। और ये आप यहाँ पे देख सकते हो यार, इसकी जो कैमरा की क्वालिटी है ना ये पहले से बेटर हुई है और काफी क्लियर है इसका कैमरा भी। और इसमें ना आपको JBL का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, एक बार वो भी आपको सुना देती हूँ। म्यूजिक सिस्टम तो आपने सुनी लिया होगा, इसकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब जो स्कॉर्पियन में आपको सोनी की साउंड मिलती है ना वो भी बहुत अच्छी है। अगर दोनों को कंपेयर करोगे ना तो कुछ 19-20 का फर्क हो सकता है, पर मैं डिसाइड बिल्कुल नहीं कर पा रही, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पे आपको ड्राइव मोड मिलते हैं इको सिटी, और ये स्पोर्ट के लिए। पहले ना जैसे ही ड्राइव मोड एक्टिवेट होता था वो चिल्लाती थी स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इको ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो वो चीज हटा दिए, कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। नीचे देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी दिया गया है, उसके कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बटन कंट्रोल्स है, क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। और यार जेन्युइनली तारीफ कर रही हूँ, टाटा के जो एसी है ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मैंने इसको ना इसकी ब्लोअर स्पीड सिर्फ 1 पे रखी हुई है, इतना ठंडा कर रहा है कि ये देख लो, मैंने इसको अपने मुंह पे रखा भी नहीं हुआ है। यार मुझे लगता है टाटा वालों ने ना अपने वोल्टास की एसी फिटिंग इसके अंदर कर दी। यहाँ पे आपको यूएसबी की कनेक्टिविटी मिल जाती है, और यहाँ पे एक ग्रिप पैड मिलता है, फोन वगैरह रखोगे तो स्लिप नहीं होगा। और यहाँ पे आपको ESP मोड्स मिल जाते हैं, एट और रफ रोड।
यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का बटन मिल जाता है, अच्छी चीज है यहाँ पे दिया गया है, अदरवाइज ना आपको इसके अंदर से जाके एक्सेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो गियर नॉब दी गई है उसके ऊपर आपको ट्रायर और पैटर्न मिल जाता है, और यहाँ पे इसके सराउंड में ना आपको डार्क क्रोम देखने को मिलता है, और इसमें ना आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है ऑटो ऑल फीचर के साथ में, और यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको जो सनशेड दिया गया है ना उसके ऊपर आपको वैनिटी मिरर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई टिकट होल्डर मिलता है। दूसरी साइड सनशेड देखोगे उसके ऊपर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद लाइट्स, ये अच्छी चीज है। देन सेंटर में अगर आप पैनल देखोगे तो यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिल जाती है, और ना मुझे इसके जो सनरूफ के कंट्रोल्स है ना वो बहुत मस्त लगते हैं, क्योंकि अगर आपको सनरूफ ओपन करनी है तो आपको अलग कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये देख सकते हो, और अगर मान लो आपको सिर्फ इसको थोड़ा सा लिफ्ट करना है तो उसके लिए अलग कंट्रोल है, और अगर आपको शेड ऑफ या ऑन करना है तो उसके लिए अलग कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और इसमें आपको ऑटो डिमिंग आरवीएम भी मिल जाता है, जो कि XUV700 और स्कॉर्पियो दोनों ही गाड़ियों में नहीं आता है, मेरे हिसाब से आना चाहिए क्योंकि वो भी इसी बजट की गाड़ियां हैं, और तो ये तो फीचर होना ही चाहिए। यार अब मैं ना इसकी सेकंड रो में आगे बैठ गई हूं, जिस जगह पे अभी मैं बैठी हूं ना ये इस गाड़ी में बैठने के लिए बेस्ट जगह है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, ऐसा लग रहा है आप किसी जेट की ना बिजनेस क्लास में आके बैठ गए हो। यहाँ पे आपको ये जो हेडरेस्ट दिए गए हैं देख लो यार, कितने कंफर्टेबल है, और देखने में प्रीमियम भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, वो भी पर्सनल, क्योंकि ये 6 सीटर वाला वेरियंट है, और उसके ऊपर से ना इसमें आपको चारों की चारों वेंटिलेटेड सीट दी गई है, जो कि इसकी कॉम्पिटिशन में आपको नहीं मिलती है। इसके कॉम्पिटिशन में तो आपको आगे वाली सीट पर भी वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलती है, यहाँ तो आपको चार वेंटिलेटेड सीट मिल रही है। जो बॉस मोड मैंने आपको दिखाया था ना, इसका बेनिफिट अब मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपके ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आप यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं, अगर आप सामने वाली सीट को एडजस्ट करना चाहते हैं ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से आपको सीट को आगे करना है, ये देख सकते हो। तो ये आगे वाली सीट को कुछ इस तरह से एडजस्ट करके आप आराम से कंफर्टेबल होके सोते हुए जा सकते हैं, और भाई सोने का तो मन ही नहीं करेगा, इतनी अच्छी बड़े साइज की पैनोरामिक सनरूफ जो इसमें ऑफर की गई है, ये वाली जो सीट है ना इस पे बैठने का मजा ही अलग है। रियर एसी का भी ध्यान रखा गया है, एसी वेंट आपको यहाँ पे ना पिलर पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आपको कैबिन लाइट मिलती है जो कि एलईडी है। यार ये पंच वाली लाइट पूरी उठा के यहाँ लगा रखी है, पंच में भी ऐसी मिलती है, और ये देखो पीछे भी यहाँ पे आपको यूएसबी और टाइप सी की फास्ट चार्जिंग कनेक्टिविटी मिल जाती है, जिसमें फोन चार्ज लगा के आप यहाँ रख सकते हैं, स्टोरेज स्पेस दी गई है। गाड़ी की जो बेस्ट सीट है ना उसको छोड़ के अपने पीछे चलते हैं, एक बार ना आपको थर्ड रो में भी बैठ के दिखा देती हूँ। तो भाई इसकी थर्ड रो में आके बैठ गई हूँ, यार मुझे ना सफारी की थर्ड रो ना बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में काफी सही लगती है। अंडर थाई सपोर्ट की प्रॉब्लम तो वैसे ऑलमोस्ट हर थर्ड रो में रहती रहती है, रिक्लाइन एंगल यहाँ पे सही है, दो एडजस्टेबल हेडरेस आपको मिल जाते हैं, और हेडरूम तो काफी अच्छा है, और यहाँ पे आपको एलईडी कैबिन लाइट दी गई है, ये भी बढ़िया चीज है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक कप होल्डर मिल जाता है, और ये देखो भाई थर्ड रो तक में आपको यूएसबी और टाइप सी की कनेक्टिविटी दी गई है, मतलब आप कोई भी रो में आके बैठ जाओ, फोन चार्जिंग की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल नहीं आने वाली है, और एसी वेंट्स आपको यहाँ ऑन द फेस मिलते हैं, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है, गर्मी का प्रॉपर ख्याल रखा गया है, गर्मी नहीं लगनी चाहिए बंदों को यहाँ पे। और हाँ एक चीज और है, एसी वेंट्स तो दिए गए हैं, और इसका जो ब्लोअर स्पीड है उसको भी आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं आपको सफारी की चाबी दिखाऊं तो कुछ ऐसी की आती है सफारी के साथ में, जिसपे यहाँ पे आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है, फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है, और इसे प्रेस करके रखोगे ना तो बूट यहाँ पे अनलॉक हो जाता है। तो भाई ये था सफारी का टॉप मॉडल, यार मेरे हिसाब से ना काफी मैच्योर दिखने लगी है, और उसके ऊपर से काफी सारे फीचर्स जिसकी रिक्वायरमेंट थी वो इसमें ऐड ऑन कर दिए गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है, मेरे हिसाब से ना आप ये एकदम वर्थ बाइंग है, आप बिल्कुल इसको कंसिडर कर सकते हो। तो बस यार आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ढेर सारा शेयर करना, मिलती होगी वीडियो में, बाय बाय।